成了夕阳，是谁的乡音在梦里吟唱？船上满负荷的，装载着友谊，和睦的汉子那么的走着短发。कैप्टन डायन, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आपको मुझसे कोई काम था क्या? शाओशी, नाविक बनना कोई आसान काम नहीं है। क्या तुमने अपने सारे काम कर लिए? क्या सारे काम? क्या हुआ? मुझे बस रोज कमरे साफ करने और डेक धोने का ही काम मिलता है। डेक धोना और कमरे साफ करने जैसा काम मेरे लिए नहीं है। अच्छा, तो तुम करना क्या चाहते हो? मैं नजर रखना चाहता हूँ। तुमसे अपना कमरा तक तो साफ होता नहीं और तुम्हें नजर रखनी है। ये मम्मी जैसी बातें क्यों कर रहे हैं? कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अगर आप मुझे नजर रखने का काम दे दे तो मैं आपकी हर बात मानूंगा। अच्छा, अगर तुम रोज डेक धो दो और कमरे साफ कर दो तो मैं तुम्हें ये काम दे दूंगा। सच्ची? इसके अलावा और कुछ भी है? तुम्हें रोज डायरी में लिखना होगा। क्या? मुझे ये काम बिल्कुल नहीं पसंद है। तुम तो नाविक बनने के सपने देखते हो ना? नाविक को हर चीज लिखनी होती है, इस तरह से तुम अनुभव को जुटा सकोगे। ओ, अच्छा ठीक है, पर आप मुझे नजर रखने का काम देंगे ना? कैप्टन, मैं अपने सारे काम पूरे कर लूंगा, अब से मैं नजर रखूंगा। आज हमारे सफर का पांचवा दिन है। हम स्टोंग सिटी से निकले थे, फिर रास्ते में पड़े पेंगू, रियुक्यू, वानली शितांग। और हाँ, वानली शितांग एक जीशा आर्किपेलेगो है। यहाँ कई तरह के पक्षी और मछलियाँ देखने को मिली। मैंने बड़े बड़े टर्टल्स भी देखे। अंकल डायन ने बताया साउथ ईस्ट एशिया जाने की इस सफर में हम कई जगहों से होकर गुजरेंगे। हमारी अगली मंजिल है एक गाँव श्यमथान। देखो, जहाज आ रहा है, शायद ये हमारे देश से आया है। आइए 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 आइए, यहाँ आइए और ये देखिए, ये है जिंगले गांव से चाइना का माल। ये मौका मत गवाइए। वाह, हमारे देश का सामान कितना खूबसूरत है। सब देखिए इसे,
बर्फ जैसा सफेद और शीशे जैसा चमकदार और कितना हल्का भी है। इसे जिंगडे गांव में बनाया गया है। हाँ, जिंगडे गांव का सामान वाकई अच्छा होता है। इस फूलदान को तो देखिए, इसका ये चमकदार रंग देखिए कितना खूबसूरत है, बारिश के बाद झीलों में भरे पानी जैसा। ये मशहूर रूह का फूलदान है, ये सिर्फ शाही दरबार में मिलता है। अरे एक एक करके आइए, क्या कर रहे हैं आप? अंकल वानकाई तो आज काफी कमाई कर रहे हैं। शाशेर, मैं अपने एक पुराने दोस्त से मिलकर आता हूँ। पुराने दोस्त? मैं भी आपके साथ चलूं? इसी बहाने डायरी में लिखने के लिए कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तुम्हें इस जगह को अच्छे से देखना चाहिए। हाँ। आजा। ठीक है। मुझे ये टोपी दे दीजिए। इस दुकान में बकरे की चमड़ी से कागज बनाया जाता है। क्या सच में? तो पहले कागज ऐसे बनाया जाता था? मैं जल्दी में आया हूँ, इसलिए कोई तोहफा नहीं ला सका। आप ये रख लीजिए। वाह, बहुत खूबसूरत है। चाइना के रेशम से बेहतर कुछ नहीं होता। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैप्टन वोंग, इस तरफ आइए। ये क्या है? इसे खाओगे तभी पता चलेगा। अच्छा। अच्छा लगा? कितना तीखा है। ये एरिका नट है। खाने में अजीब लगती है पर बड़े काम की चीज है, सेहत के लिए अच्छी होती है। कैप्टन वोंग, आप किस तरफ जा रहे हैं? हम लोग जावा की तरफ जा रहे हैं। जावा? ये जावा जा रहे हैं? मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। लूटपाट मची हुई है, अकेले समुद्र में खतरा बढ़ जाता है। मैं जानता हूँ, लेकिन इसके पीछे एक और मकसद छुपा है। मुझे दायोन की तलाश करनी है। मुझे लगता है उसकी कोई खबर है तुम्हारे पास। घबराओ नहीं, तुम मुझे बता सकते हो। दरअसल मुझे भी आपको एक चीज देनी थी। ये रही। हमारा नक्शा? दायोन, हमारा परिवार कई पीढ़ियों से इस नक्शे पर काम कर रहा है। आज से ये जिम्मेदारी तुम्हारी हुई। ये लो। आप जैसा कहें पिताजी। ये तो वही नक्शा है, लेकिन ये तुम्हारे पास कहां से आया? दायोन के जहाजों पर डेविल्स आइलैंड के पास लुटेरों ने हमला कर दिया था। मैं वहां देखने गया था कि कौन कौन बचा है। हालत बहुत बुरी थी। पता चला लुटेरों ने खजाने वाले जहाज को डुबा दिया, कोई नहीं बच सका। मुझे ये नक्शा वहीं पर मिला था। तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो? कैप्टन वोंग, आप कुछ गलत मत सोचिए, मैंने तो बस अंदाजा लगाया है। अंकल, वोंग दायोन को कुछ भी नहीं हुआ होगा, वो बहुत महान नेविगेटर बनेंगे। तो फिर वो हमें कोई इशारा क्यों नहीं भेजता? ऐसा होने के कई वजह हो सकती हैं। शायद वो किसी आइलैंड पर फंस गया हो, या फिर उसे लुटेरे पकड़ कर ले गए हो, या हो सकता है उसकी चिट्ठी खो गई हो, पर वो अभी भी जिंदा है। आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए। नहीं नीलू, अभी नहीं, यहाँ तो पहरेदार है, हम अंदर कैसे घुसेंगे? आइए आइए, सामान ले जाइए, ये सामान सबसे बेहतरीन है। कप्स, प्लेट्स, बोल्स, सब कुछ है। हमारे लिए मौका सही है नीलू। यहाँ सब है। हम इस बक्से में छिपकर जहाज तक पहुँच जाएंगे। चाइना का माल है।
80, 90, 100, इतने सारे पैसे। अच्छा जी, आज तो बहुत मुनाफा कमाया है ना? मुनाफा, मुनाफा। इसी बात पर जश्न हो जाए, तुम्हें इनाम देता हूँ। शांत रहो, किसी को पता ना चल जाए। मैं घर से हमारे लिए जेली लाया हूँ। मेरी जेली कहाँ गई? चूहे की पॉटी? यहाँ कोई चूहा है? अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? हम उसे कैसे भगाएंगे? अंकल वैन काई, आपने हम सब लोगों से खाना छिपाया? आप उसे अकेले खाना चाहते थे? अरे बेटा शाओशी, ये समय इन बातों का नहीं है। जहाज में चूहा घुसा है। हाँ? ये बहुत खतरनाक है। हाँ, चूहे से भला क्या खतरा होगा? तुम क्या कह रहे हो? हाँ, जहाज पर इतना कीमती रेशम जा रहा है, अगर चूहा उस तक पहुँच गया तो बहुत बड़ा नुकसान करेगा हमारा। सेठ शेन बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें उस चूहे को भगाने का तरीका ढूंढना होगा। कैप्टन, मैं एक तरकीब बताऊं? अगर हम एक बिल्ली ले आए तो कैसा रहेगा? इतनी बेकार तरकीब है, हम यहाँ बीच समंदर में बिल्ली कहाँ से लाएंगे? बोलने के पहले सोचा तो करो। मैं तो बस तरकीब दे रहा था। मुझे चूहे पकड़ने के और फंदे बनाने पड़ेंगे, उन्हीं से वो पकड़ा जाएगा। अरे नहीं, सब इधर आओ, जल्दी करो। अब अंकल वैनकाई को क्या हो गया? ये क्या, चूहे ने हमें चकमा दे दिया। मांस खाकर भी फंदों में नहीं फंसा। अरे नहीं, अब हम क्या करेंगे? लगता है वो मनुष्य चूहा मेरा रेशम कुतर देगा। सेठ शेन, घबराओ मत, इस बार मैं और तगड़े जाल बनाऊंगा। पर वो काम तो करेगा ना? अंकल वैनकाई, मैंने कुछ और सोचा है। मामादू, क्या तुम मुझे अपना ये सांड का सिंह दोगे? लेकिन तुम्हें इसे क्या काम है? अगर तुम इससे जानवरों को वश में कर लेते हो तो इससे चूहा भी वश में हो सकता है। क्या तुम इससे चूहा पकड़ना चाहते हो? मामादू, अभी बस यही तरीका बचा है। अच्छा ठीक है, ये लो। मुझे सोना नहीं है, जागते रहो सेलर श्यावशी। तो ये चोर का काम है? हे, कौन हो तुम? चोरी कर रही हो? रुको, कहाँ जा रही हो? दरवाजा खोलो, चोर भाग रहा है। इसे तो मैं पकड़ कर रहूंगा। तुम बचकर भाग नहीं सकती। पकड़ लिया। माफ करना, मुझे माफ करना। तुम बच नहीं सकती। ये गंदा चूहा, दूर रहो मुझसे। ऐसा मत करो, उसे छोड़ दो। योमा, संभल कर। संभल के नीलो। नीलू, उसे कुछ मत करो। नीलू, रुक जाओ। मामादू, ये लो। Thank you.
तुम हमारे जहाज में कैसे आई? बड़े बक्से में छुपकर। बक्से में? आइए आइए, ये चाइना का माल है। हम इस बड़े बक्से में छिपकर जहाज तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, तो तुम छिपकर जहाज में घुसी हो। तुमने ही मेरी जली खाई है ना? नहीं, मैंने नहीं खाई। झूठ, साफ साफ झूठ। ये तुम्हारा और तुम्हारे इस चूहे का काम है। सही में हमने नहीं खाई। चोर कहीं के? हम चोर नहीं है। अगर चोर नहीं हो तो छिपकर जहाज में क्यों आई? मैं ये लो। रोना बंद करो और मुझे बताओ। हाँ, मैं इस जहाज में आई क्योंकि मैंने सुना था ये जावा जा रहा है। क्या? पर तुम जावा क्यों जाना चाहती हो? मुझे नीला रंग लाना है। लेकिन वो आखिर किस काम आता है? हाँ? बर्तन बनाने में ही काम आता है। और तुम्हें उसकी जरूरत क्यों है? उससे नीले और सफेद पोर्सलिन बनते हैं। उसके बिना खूबसूरत पोर्सलिन नहीं बनाया जा सकता। तुमने कहा नीला और सफेद पोर्सलिन, मतलब तुम जिंदे गांव से हो? हाँ, मेरे दादाजी कारीगर है जो शाही दरबार के लिए खूबसूरत पोर्सलिन बनाते हैं। कई साल बर्तन बनाने से हमारा नीला रंग खत्म हो गया और दादाजी पुराने समय जैसा नीला और सफेद पोर्सलिन नहीं बना पा रहे थे, इसलिए उन्हें पकड़ लिया गया। दादाजी, मैंने दादाजी को कहते सुना था ये जावा से आता है, इसलिए मैं घर से निकलकर जावा जाने वाले जहाज में सवार हो गई। वो देखो, समुद्री लुटेरे आ रहे हैं। पर उस जहाज को लुटेरों ने लूट लिया और मैं किसी तरह चिमतान पहुंच गई। ओह, तो ये बात है। मेरा सारा पैसा भी लुटेरों ने छीन लिया। मैं जहाज पर जाने के पैसे नहीं दे सकती थी, इसलिए चोरी से घुस आई। दादाजी को बचाने के लिए मुझे नीला रंग लाना ही होगा, इसलिए जावा जाना जरूरी है। मुझे अपने साथ ले चलिए। क्या कहा तुमने? एक तो चोरी से घुसी और ऊपर से फरमाइशें कर रही हो। अगर आप मुझे साथ ले जाएंगे तो आपकी हर बात मानूंगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगले गाँव पहुँचते ही तुम्हें जाना ही होगा। पर सुनिए। कह दिया ना मैंने, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम पकड़ी गई। कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। परेशान मत हो, जावा पहुंचेंगे तो नीला रंग ढूंढने में मदद करूंगा। शुक्रिया। चलो कुछ खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। हाँ, चलो नीलू, चलते हैं। अच्छा हाँ, तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मेरा नाम किंजर है। तुम्हारा? शाओशी, मतलब जो सब जानना चाहता है। हाँ? अरे, ये लड़की तो बहुत मेहनती है, इतनी सुबह उठ गई। नहीं नहीं, कहीं ये मुझे दिखाने के लिए तो नहीं कर रही ताकि मैं इसे अपने साथ ले जाऊं? मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूं। ये बहुत अच्छा है, कई दिनों बाद इतने अच्छे मोमोज खा रहा हूँ। मजा आ गया। ये सूप भी बहुत अच्छा बना है। खाना तो रोज वाला है, पर किंजर ने इसका स्वाद बढ़ा दिया है। आप सबका बहुत शुक्रिया। किंजर, काश तुम रोज हमारे लिए ऐसा खाना बनाती। शाओशी, बस खाने की सोचते हो? तुम यहाँ छुट्टियाँ मनाने आए हो क्या? खाना खाकर चुपचाप काम पे लग जाओ। ठीक है। ये पैसे अपने साथ ले जाओ, तुम्हारे घर जाने के काम आएंगे। शुक्रिया, मेरी बात समझने के लिए शुक्रिया। ये तुम? मैं आपसे सिर्फ कुछ दिन पहले मिली हूँ, पर सबको हमेशा याद रखूंगी। अब चलती हूँ। चलो चलते हैं। ओ?
ये लड़की बहुत मेहनती, समझदार और प्यारी है। ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं। हाँ, अगर इस लड़की का चूहा इतना शैतान ना होता तो मैं इसे जरूर अपने साथ ले चलता। सुनो, पकड़ लिया, पकड़ लिया। बोलो बे, क्या पकड़ लिया तुमने? वो चूहा जिसने आपकी जेली खाई थी। हाँ? क्या, यानी जेली नीलू ने नहीं खाई थी? इसका मतलब किंजर सच कह रही थी। क्या, यानी हमने उस पर इल्जाम लगाकर गलती कर दी? अंकल वैन का है, आप प्लीज किंजर को रोक लीजिए ना। तो तुम मुझसे क्या कह रहे हो? आवाज लगाकर वापस बुलाओ उसे। जी किंजा, वापस आ जाओ। अंकल वैन का ही तुम्हें साथ ले जाने के लिए मान गए हैं। हाँ, मैं यही रहूंगी। हाँ, लौट आओ, हम सब तुम्हें साथ ले जाएंगे। सच्ची? अरे वाह। आराम से संभाल कर नीलू, अब हम जावा जा सकेंगे।